मास्क लगा लेना, लगा दो यहाँ नीचे कर लेना। ठीक है ठीक है ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय नीरज और मैं नीरज आपको लेकर आया हूँ विक्रम ब्लॉक के दक्षिणी जिला पार्षद क्षेत्र से। और हमारे साथ पिंकू कुमार जी बने हुए हैं जो भावी जिला पार्षद उम्मीदवार हैं, और बात करेंगे इस बार किस एजेंडा के साथ ये मैदान पर आए हैं। आइए आपको मिलवाते हैं पिंकू जी से, इनकी क्या एजेंडा रहेगा। ये युवा है और आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से, युवा ही देश और का विकास करता है। क्या इस बार आपका अपने पंचायत की विकास किस मुद्दा के साथ आता है? आए हैं कि जहाँ जहाँ नली और बहुत जगह है कि रिपेयरिंग नहीं हुआ है, हर जगह यही बात हो रही है कि यहाँ ये कमी है, पानी पीने का साधन नहीं है, हर जगह ही जाते हैं तो यही सुनते हैं। मुख्य एजेंडा क्या रहेगा? मुख्य एजेंडा रहेगा कि आगे चल के हम विकास की ओर मिलकर पूरा समर्थन करेंगे। अच्छा, क्या बताएंगे वर्तमान जो जिला पार्षद हैं उनके बारे में, क्या कहेंगे, कैसा रहा है छवि इनकी? छवि रही कि हर जगह जा रहे हैं तो बोल रहे हैं पूरा पंचायत के लोग कि पहले वाला क्या किया। हमने बोला कि ठीक है, बदलाव लाइए, फर्क जरूर आएगा जी, कि आप ही लोग को चुनना है, मत को किसको देंगे तो किससे मेरा अच्छी होगा, विकास होगा और संसाधन मिलेगा। कल आपने नॉमिनेशन कर रखा है, कैसा महसूस हुआ, क्या लगता है आप अपनी जनता को इसके बारे में क्या कहेंगे, जनता कितनी सपोर्ट कर रही है आपको? जनता हमें बहुत कल खुशी मिला हमें कि जनता मेरा पूरा पंचायत के लोग मुझे बहुत समर्थन किए और बहुत खुशी मिली कि हमें सपोर्ट कर रहे हैं लोग। अरे बात की जाए पिंकू जी विकास की, तो 5 सालों में वर्तमान जिला पार्षद के तरफ से क्या विकास हुआ, आखिर क्या आपने देखा और कि विकास हुआ या नहीं हुआ, क्या आपने देखा तो आप राजनीतिक में आए? हम देखे कि कुछ भी नहीं किए जी, हर जगह जा रहे हैं तो बुराई हो गई है जी। क्या लगता है जनता इस बार सपोर्ट करेंगे लोग? जनता लोग को सपोर्ट, इन्हीं लोग को सपोर्ट करना है। वर्तमान जिला पार्षद के बारे में, वर्तमान जिला पार्षद बिल्कुल खिस्ती है, 2-4 चंद आदमी को लेकर निकल रहे हैं अभी, उसके क्षेत्र में 5 साल पूरे गायब रहे। आपका क्षेत्र का यहाँ काम भी किए, वहाँ अधूरा छोड़ दिए हैं। आपका क्षेत्र का पिंकू जी आ रहे हैं, आप पिंकू क्या कहेंगे, युवा है, पिंकू जी युवा है, बिल्कुल लगनशील है, कितना भरोसा करिएगा? बिल्कुल 100% भरोसा है पिंकू पासवान पे, इसलिए हम लोग पब्लिक मिल के इनको स्टैंड किए हैं, और युवा है इसलिए इस पर हम लोग पूरे भरोसे करते हैं 100%। क्या लगता है सपोर्ट पूरी तरह से? पूरी पूरी तरफ से सपोर्ट मिलेगी आपका सर बोल। पिंकू जी बना मनोहर चौधरी किसको दीजिए? पिंकू जी बहुत अच्छा आदमी, समाज के करने वाले आदमी है। मनोहर चौधरी जी ने 5 साल रहे, किसी के यहाँ दर्शन भी नहीं दिए, न कोई काम कर पाए, और काम थोड़ा तुम कर दो किए तो उसमें आधा से फिर जनता उनको कोई नहीं चाहता है। पिंकू पासवान के हर पंचायत से सारा आदमी मदद कर रहा है। आप क्या कहेंगे सर? मैं तो यही सब कहूँगा कि पिंकू कुमार बहुत अच्छे समाज सेवी, उन्होंने 13 साल से ये समाज सेवा कर रहा, और बाकी जो मनोहर चौधरी का रहा तो वो 5 साल में किसी व्यक्ति से आज तक मिले नहीं, हम लोग इतना दिन के बाद भी आज तक ऐसी मनोहर चौधरी को नहीं पहचानते। उनका काम भी कहीं जैसे पिंकू जी के संग में घूम रहा तो कहीं कहीं ये भी देख रहा है, जैसे सुंदरपुर गांव में, सुंदरपुर में इन्होंने नाली दिया, नाली का पानी गिरना चाहिए नाला में और वे पानी उल्टा गाँव की ओर आता है, तो इसलिए तो सर मनोहर चौधरी को हम लोग नहीं ये चाहेंगे। मनोहर चौधरी सर कोई पंचायत में इस क्षेत्र में कम से कम 7-8 पंचायत है, हर पंचायत में कभी घूमे नहीं है, उनको कोई चिंता नहीं है, हम सैदाबाद पंचायत का आदमी हैं।
वोट तो हमने इसे पिंकू के खाल किए है, पिंकू के वोट कर रहे हैं। पैसा मिले है पैसा मिले तो वो मिल जाएगा तो नहीं वोट मिलेगा। वोट है से अपना मत की चीज है, जिसके दिल में बैठ जाता है जनता के देखिए हम रोड जो भर रहे हैं, हम अपना चंदा करके लोग से करके सहयोग से भर रहे हैं रोड, जहाँ उतरते हैं बर्तन वो भर रहे हैं हम लोग। मनोहर चौधरी के कहते कहते थक गए, वो कुछ नहीं काम काम ही नहीं। आप एक नए युवक हैं जी सर, बोला और जो प्रत्याशी जो खड़े हैं वो भी नए युवक हैं जी, क्या कहेंगे नहीं हुआ तो कितनी सपोर्ट रहेगा इनका? तो सर सपोर्ट पूरी तरह से पूरे मैं जन पंचायत के सभी लोगों से, खास करके विक्रम दक्षिणी 12 के सभी ग्रामवासियों से आग्रह करूंगा कि इनके जैसे युवा को अपना बहुमूल्य वोट देकर इस बार इन्हें विजयी बनाएं। कभी वो या किसी क्षेत्र में भ्रमण करने आए ही नहीं, और बदलाव जरूरी है। माननीय मनोहर चौधरी विकास नहीं किए, ये मौका हमें पिंकू जी को देना चाहिए। बात कीजिए 5 साल की, विकास क्या हुआ है? नहीं सर हमें कुछ नहीं, उनके विकास का जहाँ भी विकास होता है चर्चा होता है, लेकिन उनके विकास के बारे में कुछ चर्चा ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, मैं अभी पैनापुर में हूँ और यहाँ की जनता जो है कह रही है कि मैं जो वर्तमान जिला पार्षद जो हैं मनोहर चौधरी, उन्हें मैं नहीं पहचानता हूँ। हमारे सहयोगी आदर्श के साथ नीरज कुमार, पटना। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स एंड ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा बिहटा पटना।